दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि जामिया यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में कैसे एडमिशन लें, क्या क्या पैरामीटर पे ध्यान रखें कि जामिया के हॉस्टल मिलने में आसानी हो सारे दोस्तों के लिए, जो स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं हॉस्टल के लिए या जो कॉलेज में कर रहे हैं वो सबके लिए ये वीडियो है। मैं सबके लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो आप अगर तीन पैरामीटर पर कंट्रोल करते हैं, तीन पैरामीटर पर ध्यान रखते हैं, तो आपको जामिया के हॉस्टल मिलने में बहुत ही आसानी होगी। आपको मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आपको तीन जो बातें ध्यान रखनी है, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लेफ्ट में लाइक बटन है उसको प्रेस करके हमें मोटिवेट कीजिए। अगर कोई फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उस ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस चैनल को, तभी आप तक फ्री में वीडियो पहुंचेगा। अगर आपको फ्री में वीडियो चाहिए तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से ये बताइए कि ये वीडियो कैसी है, अच्छी है तो भी, बुरी है तो भी, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका कमेंट पूरा देश पढ़ेगा और आप ही के कमेंट के अकॉर्डिंग मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो तीन पैरामीटर है उसमें सबसे पहला जो पैरामीटर है वो आपका दिल्ली से घर कितना दूरी पे है। अगर आपका घर 1000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है, तो आपका ज़्यादा चांस होता है जामिया में हॉस्टल मिलने का। मतलब जितना परमानेंट एड्रेस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस बहुत दूर है दिल्ली से, तो आपको ज़्यादा चांस मिलता है हॉस्टल लेने में। तो जिन्होंने परमानेंट एड्रेस दिल्ली का ही दिया है, उसका बहुत ही कम चांस होगा हॉस्टल मिलने का, राइट? ये पहला पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर में आप देखेंगे, दूसरा जो पैरामीटर है उसमें आपका अगर मार्क्स अच्छा है प्रीवियस ईयर्स में, जैसे आप ग्रेजुएशन में अप्लाई किए हैं, ग्रेजुएट में एडमिशन लिए हैं, तो अगर आपका 12वीं का मार्क्स अच्छा है तो ज़्यादा चांस बनता है। अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग या 11th क्लास में एडमिशन लिया है, तो अगर आपका 10वीं में ज़्यादा अच्छा मार्क्स है तो ज़्यादा चांस बनता है। अगर आपने 9वीं में एडमिशन लिया है, यानी 9th क्लास में एडमिशन लिया है, तो अगर आपका 8वीं में अच्छा मार्क्स है तो आपका ज़्यादा चांस बनता है। तो दोस्तों, ये थी आपकी पहली पैरामीटर, दूसरी पैरामीटर। तीसरी जो पैरामीटर है वो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन में अगर कोई दिल्ली के आसपास रहता है, अगर आपने अपने भाई का, चचा का या अपने फादर का एड्रेस अगर दिल्ली के आसपास का दिया है कि वो यहाँ पे रहते हैं, तो आपका हॉस्टल मिलना नामुमकिन है। क्योंकि जामिया ये समझती है कि अगर कोई हॉस्टल में रहेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके होगी? जामिया को होगी। इसलिए जामिया चाहती है कि ज़्यादा वो कैंडिडेट्स रहें जिनका दिल्ली में कोई नहीं है, वो आके जामिया हॉस्टल में एडमिशन लें, राइट? तो अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन रहता है तो आप छुपा सकते हैं। दोस्तों, ये सीक्रेट बातें हैं, आप छुपा सकते हैं कि मेरा यहाँ पे कोई नहीं रहता है। तीसरा पैरामीटर में आपका कोई ब्लड रिलेशन दिल्ली में नहीं रहना चाहिए, अगर रहता है तो शो नहीं करना है। आप बता सकते हैं कि लोकल गार्जियन जो है वो दूर के रिश्तेदार हैं, मतलब अपने ब्लड रिलेशन में नहीं है, दूर के रिश्तेदार हैं या जानने वाले या फ्रेंड्स हैं। बोल सकते हैं मेरे भाई के फ्रेंड्स हैं, मेरे पापा के फ्रेंड्स हैं, तो आपको ज़्यादा चांस है जामिया में, क्योंकि आपको एक लोकल गार्जियन तो देना ही होगा। तो लोकल गार्जियन अगर आपने अपने पेरेंट्स का दिया या आप अपने भाई बहन के दिया या अपने चचा का दिया, ब्लड रिलेशन में दिया, मामा के दिया, तो आपका एडमिशन हॉस्टल में होना मुश्किल है। तो आपको अपना ब्लड रिलेशन शो नहीं करना पड़ेगा, बट एक लोकल गार्जियन देना पड़ेगा, जो लोकल गार्जियन आप समझ सकते हैं कि कोई दोस्त हो सकता है आपके परिवार का, आपका अपना दोस्त हो सकता है, आपका दूर के रिलेटिव का दोस्त हो सकता है। तो आप पहले पैरामीटर में आप देख लीजिए, घर जितना किलोमीटर दूर है, किलोमीटर के हिसाब से आप होगा। दूसरे में आपका परसेंटेज है, कितना परसेंटेज अच्छा है। तीसरा में है आपका कोई रिलेटिव जो है ब्लड रिलेशन वाला यहाँ पे नहीं होना चाहिए दिल्ली के आसपास। तो अगर आप तीन ये पैरामीटर पे ध्यान रखते हैं, तो आपको किसी भी हॉस्टल, स्कूल का हॉस्टल हो या कॉलेज का हॉस्टल हो या गर्ल्स हॉस्टल भी हो,
तो आपको आसानी होती है जामिया में हॉस्टल मिलने में। ये तीन पैरामीटर आप ध्यान रखिएगा, किलोमीटर, परसेंटेज और आपका रिलेशन। रिलेशन, ब्लड रिलेशन दिल्ली में नहीं होना चाहिए, है तो छुपाइए। और अगर लोकल गार्जियन किसी को नॉमिनेट करना है तो अपना दोस्त बताइए, या फैमिली का दोस्त बता दीजिए, भाई का दोस्त बता दीजिए, पापा का दोस्त बता दीजिए या मामा का दोस्त बता दीजिए, ब्लड रिलेशन का नहीं बताइए कि वो यहाँ दिल्ली के आसपास रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से तीन पैरामीटर पर ध्यान रखना है, जो जामिया का हॉस्टल लेने में आसानी होगी, क्योंकि जामिया का हॉस्टल मिलने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ हॉस्टल्स है, बहुत लिमिटेड है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए ज़्यादा है बट बॉयज़ के लिए बहुत ही कम है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस शीट में है कि जिन्होंने फ्रेश एडमिशन लिया है जामिया स्कूल के, जामिया स्कूल में फ्रेश एडमिशन लिया है, मतलब जैसे वेटिंग वालों का जो कन्फर्मेशन हुआ है वो फ्रेश एडमिशन जो लिए हैं उनके लिए ये नोटिस आया है। जो हॉस्टल में अप्लाई किए हैं उनका 11 सितंबर को, दोस्तों 11 सितंबर को आपको 2 बजे से प्रोवोस्ट ऑफिस जामिया स्कूल हॉस्टल के जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। और उस इंटरव्यू में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाने पड़ेंगे, और लोकल गार्जियन का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक लोकल गार्जियन को ले जाएंगे तो थोड़ा सा एक्टिव हो, वो बताए नहीं कि आपका ब्लड रिलेशन वाले दिल्ली में रहते हैं, नहीं तो अगर वो लोकल गार्जियन भी बता दिया कि इनके मामा रहते हैं, इनके पापा रहते हैं, इनका भाई रहते हैं, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। स्टूडेंट शुड बी इन स्कूल इन यूनिफॉर्म, यानी तीन चीज़ें आपको ले जानी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाने पड़ेंगे, लोकल गार्जियन को ले जाना पड़ेगा, और स्टूडेंट्स स्कूल के यूनिफॉर्म में होना चाहिए, यानी स्कूल के ड्रेस में स्टूडेंट जाना चाहिए इंटरव्यू के वक्त। इंटरव्यू होगा दोस्तों, आपने देख लिया कि 11 सितंबर का इंटरव्यू है, 11 सितंबर का इंटरव्यू है, टाइम है 2 बजे, वेडनेसडे दिन है। और जो हाल ही फ़िलहाल में जामिया स्कूल में एडमिशन लिया है उसके लिए है, जो पहले से एडमिशन ले चुके हैं फर्स्ट लिस्ट वाले, उनका तो अभी प्रोसीजर ख़त्म हो गया होगा, मतलब एडमिशन ले चुके होंगे, अब प्रोसेस वही कर रहे हैं। जिनका लेट एडमिशन हुआ है यानी वेटिंग वालों का कंफर्म हुआ है, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी निकली है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है फ्रेश एडमिशन इन जामिया हॉस्टल स्कूल हॉस्टल। तो दोस्तों आप अगर जामिया में जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और भी आपको सीक्रेट, जामिया का सीक्रेट मैं आप तक फ्री में पहुंचाता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, किसी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हों तो उसमें शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम है राही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।